दोस्तों स्वागत है आपका। आईपीएल 2020 की स्टार्टिंग से जो है वो बाहर हो चुके हैं ग्लेन मैक्सवेल। ऐसे में किंग्स इलेवन पंजाब की जो टीम है उतरने वाली है बिना ग्लेन मैक्सवेल के। और यहां पर हम बात करेंगे कि मैक्सवेल के बिना किस तरह की प्लेइंग इलेवन किंग्स इलेवन पंजाब की होने वाली है, कौन सा प्लेयर जो है मैक्सवेल की जगह लेने वाला है। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। तो अगर आप भी आईपीएल के फैन कर रहे हैं आईपीएल 2020 का इंतजार, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और आपको क्या लग रहा है कि ग्लेन मैक्सवेल के बिना जीत पाएगी किंग्स इलेवन पंजाब की टीम आईपीएल 2020 की स्टार्टिंग में, आप अपनी राय जो है कमेंट कर जरूर दें। दोस्तों इससे पहले हमने आपको बताया कि किस तरह से ग्लेन मैक्सवेल जो है एल्बो इंजरी के कारण यहां पर आईपीएल 2020 की स्टार्टिंग से बाहर हो चुके हैं, जहां पर 8 से 10 वीक्स जो है उन्हें पूरी तरीके से फिट होने में लगने वाले हैं। सर्जरी उनकी होगी और उसके बाद 8-10 हफ्तों का टाइम जो है वो लग सकता है। ऐसे में ये बहुत ही बुरी खबर जो है वो है किंग्स इलेवन पंजाब के लिए। अब दोस्तों किंग्स इलेवन पंजाब की टीम बिना ग्लेन मैक्सवेल के खेलते हुए हमें नजर आएगी। सबसे पहले बात करते हैं कि प्लेइंग 11 में कौन सा खिलाड़ी जो है वो लेने वाला है ग्लेन मैक्सवेल की जगह। तो यहां पर जो दोस्तों नंबर वन चॉइस है वो है जिम्मी नीशम, जो कि ग्लेन मैक्सवेल की जगह पर हमें खेलते हुए नजर आएंगे। बहुत ही बढ़िया ये न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर हैं। रीसेंट फॉर्म भी इनका काफी कमाल का है, जो कि हम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच जो ओडीआई सीरीज हुई है उसमें देख चुके हैं। ऐसे में दोस्तों जिम्मी नीशम जो है हमें कंफर्म प्लेइंग 11 में खेलते हुए नजर आने वाले हैं। चलिए प्लेइंग 11 की बात करते हैं। तो ओपनर जो है वो रहने वाले हैं क्रिस गेल और केएल राहुल। नंबर 3 पर दोस्तों मयंक अग्रवाल हमें खेलते हुए नजर आएंगे। नंबर 4 पर निकोलस पूरन खेलते हुए नजर आएंगे। 5वें नंबर पर दोस्तों सरफराज होंगे, जो कि बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। इनके बाद आएंगे जिम्मी नीशम, जो कि जगह लेंगे यहां पर ग्लेन मैक्सवेल की। इसके बाद दोस्तों 7वें नंबर पर कृष्णप्पा गौतम होंगे। तो 8वें नंबर पर होंगे रवि बिश्नोई, जो कि बहुत ही बढ़िया स्पिनर है, अंडर 19 में कमाल करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। इनके बाद दोस्तों 2 फास्ट बॉलर होंगे मोहम्मद शमी और सेल्डन कॉटरेल। और एंड में दोस्तों मुर्गन अश्विन या फिर ईशान पोरेल, इनमें से कोई एक जो है हमें खेलता हुआ नजर आएगा। तो कुछ इस तरह की प्लेइंग 11 होने वाली है किंग्स 11 पंजाब की ग्लेन मैक्सवेल के बिना। आपको कैसी लग रही है दोस्तों ये प्लेइंग 11? आपको क्या लग रहा है कौन लेने वाला है ग्लेन मैक्सवेल की जगह? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर दें। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपडेट्स पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।